फ्रेंड्स शाहरुख खान जल्द ही किंग में दिखाई देने वाले हैं। यह पहले पूरी तरह से सुहाना खान की फिल्म होने वाली थी, पर बाद में पता लगा कि शाहरुख खान लीड रोल में होंगे। खैर, इस पिक्चर से स्वारा क्रिटिकल डेब्यू करने जा रही है। फिल्म का प्री प्रोडक्शन वर्क जारी है, अगस्त तक शूटिंग शुरू होने की खबरें हैं। इसी बीच किंग में इस खास शख्स की एंट्री हो गई है। फ्रेंड्स, साल 2023 में सिर्फ एक ही नाम की गूंज रही, वो है शाहरुख खान। 3 फिल्में आई और दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसे पीटे। इस साल उनकी कोई भी फिल्म नहीं आएगी, वो बस अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। अगले साल उनकी किंग आने वाली है। इस पिक्चर से सुहाना खान क्रिटिकल डेब्यू करने जा रही है। पहले ये पूरी तरह से सुहाना खान की फिल्म होने वाली थी, पर बीते दिनों एक अपडेट आ गया। इसमें पता लगा कि स्क्रिप्ट में बदलाव हो चुका है। फ्रेंड्स, पर बीते दिनों एक अपडेट आ गया इसमें पता लगा कि स्क्रिप्ट में बदलाव हो चुका है और अब फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में होंगे। फ्रेंड्स, किंग में शाहरुख खान और सुहाना के अलावा कौन कौन और स्टार्स दिखने वाले हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। खैर, इसी बीच एक स्टार की फिल्म में एंट्री हो गई है। दरअसल साल 2023 में पहली बार शाहरुख खान ने इटली के साथ मिलकर जवान के लिए काम किया था। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। हाल ही में पिंक बिली की एक रिपोर्ट सामने आई, इसमें पता लगा कि जवान के म्यूजिकल कंपोजर अनिरुद्ध रविंद्र एक बार फिर से शाहरुख खान की फिल्म से जुड़ने वाले हैं। ये पिक्चर कोई और नहीं बल्कि किंग होगी। दरअसल यह बड़े पर्दे पर सुहाना खान की पहली फिल्म होने वाली है। इसे बड़ा बनाने के लिए अभी से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शाहरुख खान किंग में अनिरुद्ध के साथ कोलैबोरेशन कर काफी खुश हैं। एक साल से पहले ही दोनों फिर से साथ काम करने जा रहे हैं। किंग एक तरह की एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, पर इस बार नया फ्लेवर ऐड किया जाएगा। शाहरुख खान, सिद्धार्थ आनंद और सुजय घोष फिल्म में BGM के महत्व को समझते हैं। ऐसे में उन्होंने किंग में अनिरुद्ध को शामिल किया है। इस फिल्म को शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद अपने अपने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और माफ्लिक्स के तहत प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस वक्त किंग प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है। वहीं अगस्त 2024 तक फिल्म को फ्लोर पर ले जाने की प्लानिंग की जा रही है। पता लगा है कि अनिरुद्ध पहले से ही फिल्म के थीम म्यूजिकल पर काम कर रहे हैं। जवान के बाद वो शाहरुख खान की इस फिल्म के लिए भी म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। हालांकि फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या मानना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।